रे ऑप्टिक्स समाप्त हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का नेचर है क्या, क्योंकि बहुत काफी लंबे समय से लाइट के नेचर के बारे में डिस्कस होता रहा है। कभी लाइट को वेव्स माना गया, तो कभी लाइट को पार्टिकल्स माना गया, तो फिर ड्यूअल नेचर आ गया, यानी लाइट में दोनों प्रकृति होती है, वेव्स भी होता है और पार्टिकल्स भी होता है। तो इन सभी चीजों पर इस पूरे यूनिट्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है कि लाइट क्या है, लाइट की वेव थियरी यानी लाइट का वेव नेचर, और यह स्पेशली हाइजेंस की प्रिंसिपल है। चूंकि लाइट सबसे पहले पुराने समय में चला जाए लगभग 1675 के आसपास, तो न्यूटन ने माना था कि एक कण है, लेकिन बाद में कुछ चीजों को प्रूफ करने में उसका सिद्धांत फेल रहा और न्यूटन का क्रेपस्कुलर थियरम जो था वो फेल हो गया। बाद में हाइजेंस ने एक प्रिंसिपल दिया कि नहीं, न्यूटन जो वेव जो लाइट है वो वेव्स के रूप में है, और उसके आधार पर जितने भी फिनोमेना लाइट की प्रॉपर्टी होती है उसको उसने प्रूफ किया। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। सबसे पहले देखिए वेव नेचर ऑफ लाइट एंड हाइजेंस प्रिंसिपल, ये चैप्टर का नाम है आपका, ये चैप्टर का नाम है। फिर दिया इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि क्या क्या है, लाइट है क्या, लाइट कैसे चलती है, लाइट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, किस प्रकार की चीज देखेंगे। दूसरा हमें देखना है न्यूटन क्रेपस्कुलर थियरम, हालांकि ये थियरम फेल हो चुका है और बोर्ड के सिलेबस से भी बाहर हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे वेव फ्रंट क्या है, फिर देखेंगे हाइजेंस वेव थियरी, हाइजेंस की वेव थियरी क्या है, जो कि हाइजेंस ने प्रूव किया कि लाइट क्या है, एक वेव से है। फिर एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाइजेंस थियरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी सेकेंडरी हाइजेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पर हम लोग प्रूव करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना इससे है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हाइजेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के प्रिंसिपल पे हम लोग प्रूव करेंगे। और उसके बाद इफेक्ट ऑन वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी जब लाइट वन मीडियम से अदर मीडियम में जाती है तो उसके वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग एक करके। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जनरली हम लोग जानते हैं कि लाइट है क्या, लाइट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ आवर विजन व्हेन इट इंसिडेंट ऑन रेटिना ऑफ आई, यानी लाइट एक प्रकार की एनर्जी, और जैसे ही हमारे आंख की रेटिना प्रति एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है और उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट स्पेशली दिखाई देती है। तो इसमें दिया है कि देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है कि लाइट हमेशा क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन के रूप में चलती है, यानी लाइट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पथ। सेकंड है लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, यानी लाइट वैक्यूम में भी चल सकती है बिना, जैसे हम साउंड है, साउंड क्या, साउंड भी वेव्स है, लेकिन इसके इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, वो वैक्यूम में भी चल सकता है। लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, लाइट कैन बी रिफ्रेक्टेड, लाइट कैन बी डिस्पर्जन, ये ऑलरेडी आप प्रॉपर्टी सिंपल से क्लास 10th में भी पढ़े हैं। लाइट आल्सो शो फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आप अलग अलग चैप्टर के रूप में, अलग अलग टॉपिक के रूप में सारे प्रॉपर्टीज को आप पढ़ेंगे। यानी लाइट में क्या क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रेक्शन इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेरेंस होता है, अध्यारोपण डिफ्रेक्शन विवर्तन और पोलराइजेशन ध्रुवण और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये आपके प्रॉपर्टी होते हैं इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सभी पार्ट को हम अलग अलग चैप्टर में हम लोग अलग अलग टॉपिक के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग देते हैं न्यूटन्स क्रेपस्कुलर थ्योरम। चूंकि जो लाइट का नेचर है वो बहुत पुराने समय से इस पे डिस्कस चल रहा है, और सबसे पहले न्यूटन्स ने एक थियरी दिया था और बताया था कि नहीं, जो किसी सोर्स से जो लाइट इमिट होती है वह एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होती है। किस रूप में होती है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चलता है लेकिन कैसे चलता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलता है, ऐसे चलता है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में चलता है, और इसी को क्या कहा उसने, क्रेपस्कुलर थ्योरम कहा। तो एवरी लाइट सोर्स इमिट वेरी स्मॉल लाइट टीनी इनविजिबल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दीज पार्टिकल्स आर नोन एज क्रेपस्कुलर्स, ठीक है,
क्रेस्पुलर कहते हैं, क्रेस्पुलर कहते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूटन्स क्रेस्पुलर थ्योरम, कॉर्पस्कुलर थ्योरम, ठीक है, क्रेस्पुलर थ्योरम इसको कहते हैं। किसका? न्यूटन्स का कणिका सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। यानी उसके अनुसार है कि हर सोर्स से एक लाइट मीट होती है और वो लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में मीट होती है और इस रूप में ये चलती स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलता है और उसी पार्टिकल को कहा गया कि ये कण है। न्यूटन ने उसका क्या नाम रखा? क्रेप्सकुलर, क्रेप्सकुलर यानी कणिका कहा। और यह जो दिया था कब दिया था? 1675। साइज ऑफ क्रेप्सकुलर ऑफ डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट, लाइट का जो वेव्स होती है यानी डिफरेंट कलर के लिए क्या होता है क्रेप्सकुलर, डिफरेंट होता है और उसी डिफरेंट पार्टिकल की वजह से हमें अलग अलग कलर के रूप में दिखाई देती है। जैसे हम लोग जानते हैं डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ होता है, डिफरेंट कलर का डिफरेंट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है। तो इस तरह के मतलब चीजें जो है वह इसमें बताया था कि जो डिफरेंट कलर होंगे उनके डिफरेंट आपके क्रेप्सकुलर की साइज होंगी, ठीक है। उसके बाद है लाइट के पास, देखिए आप एनर्जी है, लाइट के पास क्या है? एनर्जी होती है, लाइट के पास एनर्जी है। न्यूटन्स के कणिका सिद्धांत से एक चीज क्लियर हुआ कि लाइट के पास क्या है? एक एनर्जी है। मोशन ऑफ लाइट अलोंग स्ट्रेट लाइन, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब उसका मतलब है कि ये पार्टिकल्स के रूप में चलता है लेकिन एक सीधे लाइन में चलता, ऐसे चलता है। देखिए पार्टिकल्स हैं, ये सीधे चलता है। मोशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट जो होती है वैक्यूम में भी मूव कर सकता है। अब इसके बाद इसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव किया। कैसे किया? उसने बताया कि अगर मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, कोई एक सरफेस ले लिया जाए तो इनके अकॉर्डिंग अगर कोई एक सरफेस ले लिया जाए ए, और इसमें कोई एक लाइट की रेज ऐसे आ रही है, यानी ये पार्टिकल्स आपके धीरे धीरे ऐसे आएंगे, ये पार्टिकल्स ऐसे धीरे धीरे आएंगे एक पॉइंट तक, मान लीजिए पॉइंट ए तक, एक डिस्टेंस यहां से कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां तक आएंगे। लेकिन जैसे ही आएगा उसके पास इस सरफेस की वजह से इस पर रिफ्लेक्शन एक इंपल्स रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? एक रिपल्सन फोर्स लगेगा और रिपल्सन फोर्स की वजह से ये सीधे न आकर धीरे धीरे क्या होंगे? ऐसे मूव करते जाएंगे और ये धीरे धीरे फिर ऐसे ये बाहर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ एक नॉर्मल ड्रा जहाँ पे है, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। अगर आप यहाँ पे दोनों पॉइंट पे देखिए, मतलब ये क्यों हो रहा है इस तरह का? मतलब ये है कि अगर ये पार्टिकल्स हैं, ये आपके क्या हैं? पार्टिकल्स हैं। तो न्यूटन्स ने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं ये देखिए धीरे धीरे ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में यहां तक आते हैं, लेकिन जैसे इसके नजदीक आते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाता है और आप जानते हैं कि रिपल्सिव जब फोर्स लगेगा तो उसको क्या करेगा? दूर हटाएगा। तो जब दूर हटाएगा तो यहां से धीरे धीरे क्या होगा? दूर होते होते आके यहां से बाहर चला जाता है। तो जब यहां पे आएंगे तो मान लेते हैं यह एंगल क्या हो गया? आई, और एंगल क्या हो गया? आर, ठीक है। तब यहां पे अगर इसको आप रिसोल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा आपका? मान लेते हैं वी साइन आई, और ये क्या हो जाएगा? वी कॉस आर, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? वी साइन आर, और ये क्या हो जाएगा? वी कॉस आर। अब यहां पे दो चीज होती है, देखिए ये दोनों आपस में क्या होंगे? क्योंकि मीडियम सेम है तो स्पीड सेम होगी, इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या? वी साइन आई इज इक्वल टू वी साइन आर, ये हो गया कैंसिल, यानी आई इज इक्वल टू क्या हो गया? आर हो गया। तो इसने प्रूव तो कर दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना न्यूटन ने प्रूव कर दिया। इसके बाद रिफ्रैक्शन भी बता दिया इन्होंने, देख लेते हैं यहां पे हम लोग रिफ्रैक्शन भी इन्होंने बता दिया कि रिफ्रैक्शन भी होता है। अब रिफ्रैक्शन कैसे होता है? देखिए रिफ्रैक्शन में उन्होंने बताया कि अगर मान लेते हैं कि एक ऐसा मीडियम लेते हैं और ये मान लेते हैं रेयर मीडियम है, क्या है? रेयर मीडियम, और ये क्या है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट की रेज जब आती है ऐसे, ये पार्टिकल जब इसके स्ट्रेट लाइन में ऐसे आते हैं, आके स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज होती है, जहां स्ट्राइक करेंगे वहां पे एक नॉर्मल ड्रा करिए, ठीक है, नॉर्मल ड्रा करिए। अब इसमें क्या होता है कि उनके अनुसार जब यहाँ पे डेंसर मीडियम आता है तो डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी डेंसर मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं, इसके पार्टिकल को अपनी तरफ
खींचते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं। डेंसर मीडियम क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या, ये अट्रैक्ट करता है। तो इसमें होता क्या है कि जब लाइट की रेंज ऐसे पार्टिकल्स के रूप में सीधे आ रही थी, ध्यान दीजिएगा ऐसे सीधे आया कि स्ट्राइक की, यहाँ नॉर्मल ट्रैक की है, और जब ये अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। किधर हो जाते हैं, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे पार्टिकल्स आया उसको अपनी तरफ खींच रहा है, देखिए अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए क्या हो गया, वो बेंड हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। जबकि अगर रेयर से डेंसर में आए, डेंसर से रेयर में आए, डेंसर से रेयर में जब आता है लाइट की रेंज, ये पार्टिकल्स मान लीजिए आ रहा है यहाँ पे, ये नॉर्मल ट्रा करेंगे, तो यहाँ पे ये रेयर है, तो रेयर मीडियम क्या करता है, जब लाइट की रेंज रेयर से डेंसर में आता है, डेंसर से रेयर में आता है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये दूर जाएगा, यानी यह रेयर मीडियम जो होता है इसके पार्टिकल क्या करेगा, रिपल्स करेगा, रिपल्सिव करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो जब रिपल्सन करेगा तो ये दूर हटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपनी तरफ खींच रहा था, अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, जबकि इसमें क्या है, दूर हटा रहा है, किधर कर रहा है, दूर हटा रहा है। तो जब दूर हटाएगा तो ये लाइट की रेंज यहां से ऐसे निकल जाएगी, तो ये हो गया आई, ये हो गया आर। तो यहाँ पे भी चीजें, रिफ्रैक्शन को भी इन्होंने अपना प्रूव कर दिया, रिफ्रैक्शन को भी इन्होंने प्रूव कर दिया। तो अब ये मान लीजिए यहां से ऐसे आ जाता है, ये आपका ऐसे आ जाता है, हो गया आई, ये हो गया आर। तो ये न्यूटन्स के क्रेस्कुलर थ्योरम से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को तो प्रूव कर दिया, लेकिन जो इंटरफेरेंस है, जो डिफ्रैक्शन है, इसको प्रूव करने में इनका प्रिंसिपल जो है वो फेलोर रहा, इसलिए न्यूटन्स का जो क्रेस्कुलर थ्योरम था वो फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। अब इसके बाद इनके क्रेस्कुलर फेल होने के बाद काफी लंबे समय के बाद हाइजेंस आते हैं, और हाइजेंस ने अपना प्रिंसिपल दिया वेव थियरी। उन्होंने बताया नहीं, लाइट पार्टिकल्स नहीं है बल्कि क्या है, वेव्स है। और फिर बाद में दोनों ड्यूअल नेचर मान लिया जाता है कि पार्टिकल भी है और वेव्स भी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाइजेंस का वेव थियरी क्या है, और उसके बेद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग ने शुरुआत किया कि लाइट की नेचर क्या है, वेव है कि पार्टिकल्स है, कि वेव और पार्टिकल्स दोनों है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो स्टार्टिंग में जो थियरी मिला था वो क्या था, कि लाइट जो है वो कण का सिद्धांत, कण के रूप में, एक पार्टिकल्स के रूप में है, जिसको न्यूटन का क्रेस्कुलर थियरम कहे। बाकी हम लोग कल देखेंगे हाइजेंस का वेव थियरी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।